मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों के साथ बोलियो राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की। जैसा कि ये मंच गरिमामयी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आसन ग्रहण कर चुके, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाश्री भारती का शुभागमन हुआ है, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, सामाजिक न्याय एवं अधिभारिता विभाग के मंत्री हमारे बीच, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण कुटीर मध्य प्रदेश शासन और ग्राम उद्योग हमारे बीच, माननीय संस्कृति धार्मिक न्यास पर्यटन और धर्मस्व विभाग की मंत्री माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी हैं, हम उनका सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और हमारे बुंदेलखंड के गौरव श्री गोविंद नामदेव जी अपनी पत्नी सहित श्रीमती सुधा नामदेव सहित पधारे हैं। आज ये यूं अक्सर होता ही रहा है कि जब मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी के साथ पधारते हैं और जब ये प्रकटोत्सव हो रहा है तो ये उल्लास का क्षण है। हमारे साथ विधायक गण भी इस सभा मंच पर हैं, श्री अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी और डॉक्टर शिशुपाल यादव विधायक पृथ्वीपुर। हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और थोड़ा सा दीर्घा हम इस कार्यक्रम में चूंकि अतिथिगण पधार चुके हैं, संस्कृति संचालक श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से आग्रह करते हैं गुलदस्ते से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्प दल भेंट कर अभिनंदन करें। श्रीमती और श्रीमती साधना सिंह जी के स्वागत के लिए वंदना जैन असिस्टेंट डायरेक्टर से आग्रह है कि वह अभिनंदन करें। मंच पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के स्वागत के लिए श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी माननीय मंत्री भारत सरकार, उनका अभिनंदन। डॉक्टर गोपाल भार्गव के स्वागत के लिए हम श्री अदिति कुमार त्रिपाठी संस्कृति संचालक से आग्रह करते हैं। माननीय सुश्री उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री, उनके स्वागत के लिए सुश्री वंदना जैन असिस्टेंट डायरेक्टर से आग्रह करते हैं। श्री गोविंद नामदेव जी अभिनेता, उनके स्वागत के लिए श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से आग्रह करते हैं। श्रीमती सुधा नामदेव, उनके स्वागत के लिए वंदना जैन जी से आग्रह करते हैं। विधायकों में श्री अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी, उनके स्वागत के लिए श्री कलेक्टर साहब नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी से आग्रह है कि वो उनका स्वागत करें। विधायक श्री अनिल जैन जी निवाड़ी और साथ ही डॉक्टर शिशुपाल यादव जी का भी स्वागत कलेक्टर साहब के करकमलों से। सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबकी जोरदार तालियां। मंच पर हमारे अन्य अतिथिगण भी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। बोलो राम राजा सरकार की। और अब शब्द सुमन से हम आग्रह करते हैं श्री अदिति कुमार त्रिपाठी संचालक संस्कृति से कि वो आए और शब्दों से अभिनंदन करें अतिथियों का और आप सभी दर्शकों का। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री रामनवमी के पवित्र अवसर पर ओरछा धाम में बेतवा नदी की आरती कर नदियों की स्वच्छता एवं जनभागीदारी के संदेश के साथ श्री रामराजा सरकार की पावन भूमि पर पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोक मानस में बहुश्रुत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी तरह के सपूत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी,
मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री व बुंदेलखंड किसान पंडित गोपाल भार्गव जी तथा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ऊर्जस्व एवं कला निपुण संस्कृत पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, माननीय विधायक गण, बुंदेलखंड माटी के सभी कलाकारगण, उपस्थित सभी माननीय सज्जन वृंद, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी साथी पत्रकारगण, विभागीय यूट्यूब चैनल एवं टीवी चैनलों के माध्यम से रसास्वादन कर रहे दर्शकगण, जिला प्रशासन एवं पुलिस के सभी साथी अधिकारी गणों का मैं अदिति कुमार त्रिपाठी, संचालक संस्कृति विभाग की ओर से सादर स्वागत करता हूं। वैसे तो आज के इस शुभ अवसर पर ओरछा सहित मध्य प्रदेश के अन्य 12 स्थानों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भय प्रकट कृपाला के प्राकट्य पर्व पर विभिन्न मंचों से विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, किंतु ओरछा धाम की बात ही कुछ और है। संसार में श्री राम को लला के रूप में, प्रभु के रूप में, स्वामी के रूप में महत्ता मिली हुई है, किंतु राजा के रूप में, सरकार के रूप में पूरे विश्व में ओरछा धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां श्री राम जी को राजा एवं सरकार माना गया है। मध्य प्रदेश ही ऐसा स्थान है जहां वनों में श्री राम जी सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी जनों के बीच में रह गए, राजत्व के गुणों का प्रकटन करते हुए राम राज्य की नींव डालते हैं। इसी संबंध में आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री राम राजा सरकार के चरित आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा, जिसमें प्रभु श्री राम के 36 गुणों को जो किसी राज्य के संचालन के लिए आदर्श हैं, का लोकार्पण किया जाएगा। उक्त कला दीर्घा में पहली बार पूरे देश की 36 चित्र शैलियों में चित्रांकन कराया गया है। बुंदेलखंड के इस प्रमुख स्थान को विकसित करने के लिए बहुत से निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया गया है। वनवासी रामलीलाओं को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उनके कला प्रदर्शन के लिए रवाना किया जाना है। आज से लगभग 1500 साल के पहले लोगों की शिक्षा दीक्षा वानप्रस्थ और संन्यास जीवन जंगलों में ही गुजरता था। बहुधा मनुष्यों के जीवन का 3/4 भाग वनों में ही व्यतीत होता था, जहाँ लोगों की शिक्षा दीक्षा जीविकोपार्जन भरण पोषण आदि सभी कुछ होता रहा है। जब इन वनों में आतताइयों का प्रकोप हुआ, वनांचल में लोगों का जीना दूभर हुआ, उस समय वनवास काल में उक्त वनाधारित मूलाधारी व्यवस्था को श्री रामचंद्र जी ने सुदृढ़ किया। वसुता राम राज की नींव एवं बीज वहीं से पड़ी, अतः वनवासी रामलीलाओं के रूप में जो हमारा सनातन आधार है, उसके प्रकटीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक लीला मंडलियों को स्वीकृत एवं सहमत दी है। आज ही ओरछा धाम में प्रकाश दीपकों का प्रज्वलन मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किया जाएगा। इन सभी नवाचारों के लिए मैं संस्कृति विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद श्री।